अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड डेवलपमेंट। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टेप नंबर टू ऑफ रीडिंग विद हेल्प ऑफ फोनिक्स। तो स्टेप नंबर टू है हमारे पास ब्लेंडिंग। स्टेप नंबर वन था फोनिक्स, जिसकी वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और सेकेंड वीडियो अब मैं शेयर कर रही हूँ जो कि है ब्लेंडिंग की। तो फोनिक्स के साथ अब हम ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम टू लेटर वर्ड्स की ब्लेंडिंग करेंगे, उसके बाद हम थ्री लेटर वर्ड्स पे आएंगे। तो ये वीडियो जो है सिर्फ टू लेटर वर्ड ब्लेंडिंग पे है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हम थ्री लेटर ब्लेंडिंग में करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, फोनिक ब्लेंडिंग के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक एक्टिविटी के थ्रू, ये तो मैंने एक्टिविटी बनाई थी बच्चों की, इसमें मैंने क्या किया था कि मैंने लेटर्स को पहले प्रिंट करके उनको मैंने सिंपल जो पेपर होता है उस पर मैंने प्रिंट किया, और फिर मैंने उसको हार्ड चार्ट पे पेस्ट किया था पेपर को, ताकि ये बच्चे इजीली इसको फाड़ ना सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लेटर्स काट लेने हैं। आपने लेटर्स काट के उनको पेस्ट कर लिया, आपने लेटर्स बना लिए छोटे छोटे। उसके बाद क्या होगा कि आपने जो वोवल साउंड्स हैं वो आप लोगों ने मैंने रेड में ले लिए, बाकी जो कॉन्सोनेंट्स के सारे साउंड्स हैं वो मैंने ब्लैक कलर में लिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फोनिक ब्लेंडिंग। तो दोस्तों, फोनिक ब्लेंडिंग का स्टार्ट लेके हम लोग पहले टू लेटर वर्ड रीड करेंगे, उसके बाद मैं अगली वीडियो शेयर करूंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि थ्री लेटर वर्ड कैसे रीड करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग फिलहाल टू लेटर वर्ड ही रीड करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास जो वर्ड है वो है एब 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 एड 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 एग एग egg egg am am an an at 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 app 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 app। तो ये हमने लेटर ए के साथ ब्लेंडिंग की है पहले लेटर्स की। अब हम नेक्स्ट लेटर ले लेते हैं, अपना लेटर ओ ले लेते हैं। हम ओ के साथ हम बाकी कॉन्सोनेंट्स की ब्लेंडिंग करेंगे। तो ये हमने ओ की ब्लेंडिंग करनी है। अब ओ ब ओब ओ ब ओब ओ ड ऑड ओ ड ऑड ओ ग ऑग ओ ग ऑग ओ प ऑप ओ प ऑप ओ ट ऑट ओ ट ऑट। लेटर ओ की भी हमारे पास ब्लेंडिंग हो गई है। अब हम लेटर यू की ब्लेंडिंग करते हैं। तो यू का साउंड है हमारे पास अ अ ब अब अ ब अब अ ड अड अ ड अड अ ट अट अ ट अट अ प अप अ प अप अ न अन अ न अन। सॉरी, यहां पे मैंने इसको न कहा है, न नहीं पढ़ना आपने, न बोलना है। अ न अन अ न अन। अब हम आ जाते हैं लेटर ई की ब्लेंडिंग पे। ए का और ई के साउंड में काफी कंफ्यूजन होता है, लेकिन ए का साउंड लॉन्ग ए है और ई का साउंड शॉर्ट ए है। ठीक है, इसको हमने शॉर्ट पढ़ना है। ए ड एड ए ड एड ए ग एग ए ग एग ए न एन ए न एन ए न एन। अगर हम इसे लॉन्ग कर देंगे तो ए न एन एन बन जाएगा, वो ए का साउंड है। इसको आपने शॉर्ट पढ़ना है ए न एन ए ट एट ए ट एट। अब हम आई का साउंड कर लेते हैं, आई के साथ ब्लेंडिंग कर लेते हैं। आई का साउंड है ई ई इम ई इम
इम इ इन, इसको भी आपने शॉर्ट ई बोलना है, शॉर्ट ई। लॉन्ग ई बोलेंगे तो इम बन जाएगा, ठीक है। इम नहीं बनाना, इसे इन नहीं बनाना, हमने शॉर्ट बोलना है। इम इन इप इप इब 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 इब। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास टू लेटर की ब्लेंडिंग, मैंने आपको सिखा दी है तमाम वॉवल्स के साथ। वॉवल ए के साथ मैंने आपको बताई है, वॉवल ओ के साथ, वॉवल यू के साथ, वॉवल ई के साथ और वॉवल आई के साथ। तो ये हमारे पास जो थी ना कुछ फैमिलीज हैं, ये मैंने कुछ सिलेक्टिव इसलिए मैंने की है, सबके साथ मैंने ब्लेंडिंग इसलिए नहीं कराई कि यही हमारे पास आगे फैमिलीज होती हैं, इन्हीं के वर्ड्स बनते हैं थ्री लेटर। तो फिर जब नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी थ्री लेटर वर्ड्स वाली, तो उसमें मैं जो है ना इन फैमिलीज को फर्दर आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने थ्री लेटर वर्ड जब आप बनाएंगे तो कैसे इन फैमिलीज को आप यूज़ करेंगे। तो टिल देन उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे थम्स अप दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।